संग कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में हम मार्च 1 से लेके मार्च 7 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे उसके साथ डिटेल्स भी डिस्कस करते हैं, तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो अभी तक जितने भी साप्ताहिक के प्रोग्राम्स हम लोगों ने अपने चैनल में अपलोड किए हैं तो सारे के सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से कौन से राज्य ने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो 3 करोड़ सालाना जो है उसको हाइक कर दिया है। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो 3 करोड़ सालाना हाइक कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। तो इससे पहले जो ये था यानी कि जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड पहले था 2 करोड़, तो इसको बढ़ा के अभी 3 करोड़ कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है उत्तर प्रदेश के जो स्पीकर है हृदय नारायण दीक्षित ने जो ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वहां पे ये डिक्लेरेशन दिया था। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग ने कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी को पहले जो स्थान पे रखा है पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर को यहां पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहां पे काम करने को मौका मिलेगा। तो यहां पे एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो यहां पे एक जो है अलग अलग जगह पे उन्होंने यहां पे विजिट किया है और यहां पे जो है इसके हिसाब से जो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है जो भी वहां पे लोग रह रहे हैं उस लोग के वहां पे जो इश्यूज को यहां पे मद्देनजर रखते हैं ये डिसीजन लिया गया। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के जो यहां पे सस्टेनेबल गोल्स है पहले पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया जाएगा। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 कौन सा शहर जो है इसको आयोजित करेगी। तो देखिए वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस ये जो होने वाली है मई 6 से लेके 8 2020 यानी कि मई में होने वाले हैं। तो इसको जो आयोजित करेगी बेंगलुरु, इसका सही आंसर है बेंगलुरु। तो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस जो है दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन है प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए जिसके जरिए इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है और उसके साथ वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस भी होती है जिसको प्रोडक्टिविटी के फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो इंडिया ने इससे पहले भी जो है 1974 में इसकी आयोजित की थी और अभी काफी सालों के बाद 2020 में फिर से इसको आयोजित करने वाली है। तो इसकी जो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस इसकी शुरुआत हुई 1969 में और हर 2 या 3 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। तो 2020 के मई के महीने में इसको दूसरी बार आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। पीएम मोदी ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसका जो फाउंडेशन जो है कौन से स्टेट में इसका अनावरण किया है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे ये अनावरण किया है उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ये क्या होगी एक 296 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होगी जो यहाँ पे चित्रकूट से जो नेशनल कैपिटल दिल्ली को यहाँ पे जोड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश के जैसे कि चित्रकूट हमीरपुर बंदा जलवान यहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो बुंदेलखंड जो एरिया है यहाँ पे नेशनल कैपिटल के थ्रू यहाँ पे जो यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो इसमें टोटल जो खर्चा होगा लगभग 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्चा होगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये जो है अनावरण किया है उत्तर प्रदेश में। इनमें से किन्होंने जो 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन तो इसको जो है नेक्स्ट 5 साल में देश में जो है इसको स्टार्ट करने वाले इसका जो कैंपेन लॉन्च किया है। तो इसका जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कैंपेन लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे यही जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जो एक किसान सम्मेलन हुआ था तो ये डिक्लेरेशन उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे देखिए पीएम किसान
तो पिछले साल जो इंटरिम बजट पेश किया गया था तो वहां पीएम किसान लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो भी किसान के फैमिली है यहाँ पे हर साल जो सालाना 6,000 रुपीज जो है उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए, तो उसका एक साल जो है उसका सेलिब्रेशन भी किया गया। तो यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है फार्मर्स की यहाँ पे इनकम को इंक्रीज करेगी, और मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जो होती है अलग अलग फसलों की वहाँ पे उसको भी डेवलपमेंट करेगी। तो इसके लिए जो है टोटल 5,000 करोड़ जो है यहाँ पे नेक्स्ट 5 सालों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखें यहाँ पे हम लोग कभी भी कुछ क्वेश्चन जब डिस्कस करते हैं आप ये मत सोचिए कि सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा और सेम ही आंसर आपको मिलेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इसी के लिए डिटेल्स जो है आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी टॉपिक का अगर थोड़ा सा अंदाजा रख लेंगे तो आप उसको जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सुपोषित माँ अभियान, तो इसको कौन से राज्य में लॉन्च किया गया? तो सुपोषित माँ अभियान इसको जो लॉन्च किया गया राजस्थान में, का सही आंसर है राजस्थान। तो इसको लॉन्च किया गया लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, राजस्थान के कोटा में, तो वो कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एमपी है लोकसभा में, तो यहाँ पे उन्होंने ये रिलीज किया। तो यहाँ पे जो है गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए यहाँ पे ये जो स्कीम स्टार्ट किया गया है, तो इसके जरिए जो है लगभग 1,000 जो महिला है वो वहाँ पे उन लोग को यहाँ पे किया जाए दिया जाएगा, 1 महीने के लिए प्रॉपर फूड जो है वहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये स्कीम जो है ओनली फॉर गर्भवती महिला है, एक फैमिली में एक गर्भवती महिला को ही इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो भी गर्भवती महिला है उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से गर्भवती महिलाओं की यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति कैसी है वो देखा जाएगा। तो इसके हिसाब से हर गर्भवती महिला को हर महीने जो है 17 kg का जो बैलेंस डाइट का यहाँ पे किट मिलेगी, जहाँ पे राइस हो, अलग अलग दाल, घी, गुड़, अलग अलग जो बैलेंस डाइट के यहाँ पे किट यहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसका ही आंसर है राजस्थान। राइडर एक्स ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो इसको जो है कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है? तो इसको देखिए राइडर एक्स इसको डेवलप किया है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने। तो ये जो है ये एक पुणे बेस्ड डीआरडीओ का लेबोरेटरी है, और इसका साथ जो है आईएएसई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने जॉइंटली मिलके ये एक नई एक्सप्लोसिव यूज्ड जो है सिस्टम निकाला है, जिसके जरिए एक वाइड रेंज ऑफ जो एक्सप्लोजिव है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसको जो है लॉन्च किया है डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने, और ये डिवाइस जो है अलग अलग डिटेक्शन जो है जो कॉन्सील्ड एक्सप्लोसिव होती है उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर सकती है थ्रू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये साइंस में आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है सीवी रमन ने इसको स्टार्ट किया था, तो सीवी रमन को इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। कौन से स्टेट ने रिसेंटली जो एक प्रोहिबिशन लगाया है कि ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड को विदाउट हाइजीन रेटिंग फूड बिजनेस ऑपरेशंस के तहत जो है नहीं स्टार्ट किया जाएगा? तो ये जो है प्रोहिबिशन लगाया है पंजाब के गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे देखिए पंजाब गवर्नमेंट का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई भी फूड सप्लाई जो एग्रीगेटर्स होती है वो अलग अलग फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से वहाँ पे हाइजीनिकली रेटिंग अगर less than 3 हो गया तो यहाँ पे ऑनलाइन फूड सप्लाई उन लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये 5 अलग अलग रेटिंग में से देखा जाएगा, जिन लोगों की फूड सप्लाई की जो रेटिंग 3 से ज्यादा होगी वही ऑनलाइन फूड सप्लाई यहाँ पे कर पाएगी, नहीं तो इसको प्रोहिबिशन किया जाएगा। तो इसको स्टार्ट किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। पूषा कृषि विज्ञान मेला 2020 इसको जो है कौन से सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया है? तो पूषा कृषि विज्ञान मेला 2020 को होस्ट किया है नई दिल्ली ने। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली के ICAR जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, और इसका अनावरण किया था जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो 34 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स है यहाँ पे उसको यहाँ पे रिलीज किया गया था। तो पूषा कृषि विज्ञान मेला 2020 इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली में। इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में टॉप रैंकिंग हासिल किया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो ये खेला गया था
उड़ीसा के कटक शहर में, ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 22, 2020 में। ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ मिलके। तो इसमें टोटल 3500 जो एथलेटिक्स आए थे, अलग अलग 150 से ज्यादा भी यूनिवर्सिटीज में से, टोटल 17 अलग अलग स्पोर्ट्स में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप रैंकिंग हासिल किया था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को टोटल जो है 17 गोल्ड मिले थे और टोटल 46 मेडल्स मिले थे। सेकंड रैंकिंग पे जो आई थी सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और थर्ड रैंकिंग पे आई थी पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंकिंग, पंजाबी यूनिवर्सिटी को थर्ड रैंकिंग मिला था। तो ये डिटेल्स है, और इसको आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, ये जो है शुरुआत इस बार 2020 का जो हुई थी, ये आसाम के गुवाहाटी में हुई थी, और जिसमें अलग अलग राज्यों के हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टॉप रैंकिंग हासिल किया था महाराष्ट्र ने। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंकिंग हासिल किया। सेंटर ने कौन से जो अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से डिक्लेयर किया है? तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है नेशनल चंबल सेंचुरी। तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, जो बहुत सारे जो गंगा रिवर के जो डॉल्फिन है वहां पे मौजूद होते हैं, और 75% जो यहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज ऑफ जो घड़ियाल है यहाँ पे मौजूद है। तो ये सेंचुरी जो ये अभयारण्य एक्चुअली मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीन स्टेट में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे इसको इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे किसी भी जगह अगर इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है, तो वहाँ पे कोई भी कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस या फिर रेसिडेंशियल एरियाज या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं किया जा सकता है। तो नेशनल चंबल यूनिवर्सिटी इसको इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से डिक्लेयर किया है। एकाम फेस्ट, ये कौन से मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो एकाम फेस्ट इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया था मार्च 2020 के 2 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे ईकाम का जो फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अवेयरनेस एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था 1997 में। तो इसमें अलग अलग जो इनिशिएटिव जो है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अलग अलग इनिशिएटिव है, जैसे कि NHFDC स्वावलंबन केंद्र, सेफ कैब्स इन दिल्ली एंड इंदौर, और जो अलग अलग ड्रिंकिंग वाटर के ई कार्ड भी जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन से मिनिस्ट्री, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने रिसेंटली एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जिसके जरिए डीजल की जो डिलीवरी डोर स्टेप में दिया जाएगा, तो उस ऐप का नाम क्या है? तो ये ऐप का नाम है जिसके जरिए डीजल को घर में दिया जाएगा, ये ऐप है हम सफर। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर संतोष गंगवार जी के द्वारा। तो यहाँ पे ये ऐप के जरिए यहाँ पे जो फ्यूल डिलीवरी है अलग अलग जो जगहों पे, जैसे कि हॉस्पिटल हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, होटल्स हो, मॉल्स, कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पे दो स्टेप्स में दिए जाएंगे। तो ये ऐप जो है हम सफर फॉर डीजल डिलीवरी। सॉरी, भारतीय रेलवे ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ये जो है कौन से राज्य से शुरू की है? तो ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये शुरू किया है वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो है बाबुल सुप्रियो, उन्होंने इसको शुरू किया है वेस्ट बंगाल के आसानसोल रेलवे स्टेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स और जो यहाँ पे जो कॉमन पीपल इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर जो यहाँ पे रेस्टोरेंट हो गए यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो इसको जो है डेवलप किया गया है दो पुराने कोचेस को रीइनोवेट करके, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है कि नेक्स्ट 5 सालों में लगभग इस रेस्टोरेंट के द्वारा 50 लाख तक की जो यहाँ पे कमाई की जा सकती है। कौन से कंट्री ने रिसेंटली 10,000 जो माइग्रेंट्स है तुर्की से, उसको जो है ब्लॉक करने के लिए अपना बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया है? तो ये जो कंट्री है ग्रीस।
तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ग्रीस और टर्की के यहाँ पे जो बॉर्डर कनेक्टिंग है, तो यहाँ पे काफी सारे जो टर्की से बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली ग्रीस में माइग्रेट करते, तो इसके लिए ये बॉर्डर को लॉक कर दिया गया है। तो इसका जो शुरुआत किया है ग्रीस ने, और पिछले कुछ दिनों में लगभग 73 ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को अरेस्ट भी कर चुका है। ग्रीस का जो कैपिटल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एथेंस। कौन से देश ने अपनी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी उसको अपने पास में अभी अपने पास में रख लिया है? तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी अभी होगी चाइना के पास। तो यहाँ पे देखिए चाइना ने ये जो प्रेसिडेंसी लिया है फॉर मार्च 2020 के महीने के लिए। तो यहाँ पे चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के लिए उनका नाम है जैंग जून। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंसी है ये हर जो अपने टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स है और 5 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो 15 मेंबर कंट्रीज के बीच में ये हर महीने रोटेट होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जनवरी के महीने में वियतनाम जो था जनवरी महीने में प्रेसिडेंट थी, देन बेल्जियम थी फरवरी के महीने में, बेल्जियम के बाद जो चाइना सी जो है मार्च के महीने में प्रेसिडेंसी होगी, और इसके बाद अप्रैल के महीने में प्रेसिडेंसी होगी डी डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसमें 5 जो परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो यहाँ पे जो है परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है यहाँ पे, और इंडिया ने नॉन परमानेंट मेंबर्स में अभी तक जो है 7 साल जो है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर रह चुकी है। लेटेस्ट इंडिया 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर थी 2011 से लेकर 2012 तक, और इंडिया जो है काफी बार जो है यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट मेंबर के पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर चुकी है। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज जो है यहाँ पे उन्होंने जो है एक G4 का भी गठन कर लिया है, वो है इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। कौन से देश के राष्ट्रपति ने अपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है और बोला है कि जनरल इलेक्शंस अप्रैल 25 को शुरू होगी? तो ये प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षा, इन्होंने अपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है और यहाँ पे बोला है कि अप्रैल 25 2020 को जनरल इलेक्शन शुरू होगी। तो ये इलेक्शन जो है अगस्त में जो है शुरू होने वाली थी, लेकिन इसको अभी डिसॉल्व करके अप्रैल में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये श्रीलंका जो है इसके जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है गोताबाया राजपक्षा के जो बड़े भाई है महिंदा राजपक्षा, उनके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। तो महिंदा राजपक्षा के गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट माना जाता था, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो जनरल इलेक्शन होंगे यहाँ पे उनकी जो महिंदा राजपक्षा उभर के आएंगे। वर्ल्ड बैंक ने जो कोरोना वायरस बहुत ही हानिकारक यहाँ पे बहुत ही तबाही मचा चुकी है पूरा दुनिया में यहाँ पे, तो उसके आउटब्रेक के लिए कितना अमाउंट का जो पैकेज डिक्लेरेशन किया है? तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक ने ये पैकेज जो डिक्लेयर किया है 12 बिलियन US डॉलर का। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज में कोरोना वायरस का यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे उसको ये प्रोवाइड किया जाएगा ताकि यहाँ पे वायरस कोरोना वायरस के जो यहाँ पे इफेक्ट के साथ यहाँ पे फाइट किया जा सकता है। तो ये फंड जो होगी ये यूटिलाइज किया जाएगा अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास ने यहाँ पे बोला है कि जो भी कंट्रीज ने यहाँ पे सहायता मांगी है वर्ल्ड बैंक से, तो उन्हीं कंट्रीज को इसकी जो बेनिफिट्स मिलेगी। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो डिक्लेयर किया है 12 बिलियन US डॉलर का। ललित कला एकेडमी अवार्ड जो है उसमें 15 आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, तो ये सम्मानित किन्होंने किया है? तो ललित कला एकेडमी अवार्ड ये जो 15 आर्टिस्ट को सम्मानित किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति ने 15 जो आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित किया है 61st ललित कला एकेडमी जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। तो ये हर साल होता है यहाँ पे, जो आर्टिस्ट होते हैं कलाकार होते हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे कि पेंटिंग हो, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, ड्रॉइंग, इंस्टॉलेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई भी जो आर्टिस्ट है उन लोगों को वहां पे सम्मानित किया जाता है। इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था 1954 में, उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल बैटिंग में टॉप किया है, टॉप रैंकिंग हासिल किया है?
तो ये टॉप रैंकिंग हासिल किया है भारत की शफाली वर्मा ने। तो ये इसकी उनकी जो उम्र है 16 साल है। अभी भारत जो है T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज फाइनल हुआ था जिसमें भारत हार गई है। तो इनको जो है अभी T20 इंटरनेशनल बैटिंग में टॉप रैंकिंग हासिल हुआ है। ये दूसरी भारतीय महिला जिनको T20 इंटरनेशनल में टॉप रैंकिंग हासिल हुआ है आफ्टर मिताली राज। इनमें से किन को बीसीसीआई के सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन चुना गया है? तो भारत के फॉर्मर जो स्पिनर है सुनील जोशी, तो ये कर्नाटका से खेलते थे, तो इनको जो है अभी बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चुना गया है। तो इनको अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई के क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा मुंबई में एक मीटिंग में। तो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में 3 लोग हैं यहाँ पे, आरपी सिंह, मदन लाल और सुलक्षणा नायक। तो यहाँ पे देखिए इंडिया के पूर्व जो पेसर है हरविंदर सिंह, उनको भी यहाँ पे 5 मेंबर जो कमेटी में जो है इंक्लूड किया गया है। बीसीसीआई इसकी गठन हुई थी 1928 में। इसके जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और सेक्रेटरी नाम का नाम है जय शाह। इनमें से कौन से इन किस इन्होंने से किन्होंने स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड स्कीम जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। तो ये स्कीम जो है रेगुलर मेडिकल चेकअप करेगी जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोग की यहाँ पे, ताकि कुपोषण को कंप्लीटली यहाँ पे खत्म किया जा सके। और इस स्कीम के द्वारा मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी यहाँ पे नीडी चिल्ड्रेंस होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉपरली खाना नहीं मिलता उन लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पे मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम के द्वारा। तो ये स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। उत्तराखंड ने अपना कौन सा जो जगह को जो समर कैपिटल घोषित किया है? तो उत्तराखंड का कैपिटल का है नाम देहरादून, तो समर कैपिटल घोषित किया है गैरसैंण को। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इन्होंने रिसेंटली अपने बजट सेशन के दौरान इसको अनाउंस किया है। तो यहाँ पे जो है गैरसैंण जो है उत्तराखंड के जो एक हिली एरियाज में आती है, तो यहाँ पे काफी सारे जो पानी की भी प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो विधान भवन भी गैरसैंण में ही मौजूद है और पिछले काफी दशकों से उत्तराखंड के लोगों ने गैरसैंण को अपना जो है यहाँ पे अपना कैपिटल बनाने की बात की हुई है, लेकिन इसको अभी परमानेंट कैपिटल के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, इसको सिर्फ समर कैपिटल बनाया है। उत्तराखंड जो है दो सन 2000 के नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। कौन सा कंट्री ने ये डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये कंप्लीटली फ्री हो जाएगी? तो दुनिया का पहला कंट्री बना है। तो वो कंट्री कौन सा है? तो दुनिया का पहला कंट्री जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली फ्री कर दिया है ये है लग्जमबर्ग। तो यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट किया है, तो यहाँ पे कोई भी जो ट्रेन है, बसेस है या फिर ट्रैम्स है, वहां पे कोई भी पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे जो भी ट्रेन होती है ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन 3 यूरो ही पेमेंट करना होगा, यानी कि आप किसी भी डिस्टेंस के लिए जाए तो सिर्फ 3 यूरो ही पेमेंट करना होगा। तो लग्जमबर्ग का कैपिटल का नाम है लग्जमबर्ग सिटी। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है लग्जमबर्ग कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। गूगल ने अपना सेकेंड क्लाउडेड रीजन भारत में कौन से शहर में शुरू किया है? तो गूगल जो है अपना जो सेकेंड क्लाउडेड रीजन भारत में शुरू करेगी नई दिल्ली में। तो ये सेकेंड है, पहला जो शुरू किया था 2017 में मुंबई में। और गूगल के अभी तक जो है 22 जो रीजनल जो क्लाउड सेंटर है दुनिया में अलग अलग जगह, और उनमें से 8 जो है एशिया पैसिफिक में है। गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। इनमें से कौन सा भारतीय शहर, तो याद रखिए ये भारतीय शहर है जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है 2023 का जो सेशन शुरू होगी। तो 2023 का जो सेशन होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये होगी मुंबई में। तो ये जो है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसको रेकमेंड किया है मुंबई का नाम, तो ये डिसीजन जो रेटिफाई किया जाएगा 136वां जो सेशन होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जो टोक्यो में होगा जुलाई 2020 में, तो इसके बाद इसको रेटिफाई फिर से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2020 में जो ओलंपिक होगी ये टोक्यो में होगी, 2024 में ओलंपिक होगी पेरिस में। इनमें से किनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है बिमल जुल्का, तो इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इससे पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे सुधीर भार्गव। इनमें से किनको नए फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि नए वित्तीय सचिव अपॉइंट किया गया है, तो नए वित्तीय सचिव अपॉइंट किया गया है अजय भूषण पांडे को। तो ये जो है सक्सीड करेंगे राजीव कुमार जो रिटायर होने वाले हैं मार्च 2020 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक के लिए एक विड्रॉल लिमिट सेट किया है 50,000, यानी कि जो भी वहां पे अकाउंट होल्डर्स है वो 50,000 से ज्यादा निकाल नहीं पाएंगे। तो ये बैंक जो है यस बैंक। तो यहाँ पे देखिए यस बैंक जो है यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड और प्रैक्टिसेज में काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाए जा रहा है यहाँ पे, तो यस बैंक जो है इसके लिए काफी डिक्लाइनेशन के रूट से यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे जो है अपनी कैपिटल को ये इंक्रीज नहीं कर पा रही है, और इसमें अलग अलग पोटेंशियल लोन के लॉसेस हो रही है। तो आरबीआई ने इसके हिसाब से यहाँ पे बैंक्रप्टसी ना हो जाए इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कोई भी जो अकाउंट होल्डर है वहां पे यस बैंक से 50,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बैंक है यस बैंक। नासा जो है 2020 में अपना जो मार्स के लिए जो रूवर सेंड करने वाली है उस रूवर का नाम क्या है? तो 2020 के जुलाई में नासा जो सेंड करेगी अपना रूवर उसका नाम है प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस। तो देखिए ये मार्स जो है ये मंगल ग्रह के लिए नासा छोड़ेगी अपना जो रोवर यहाँ पे, तो ये जो है उसमें पास्ट माइक्रोबियल लाइफ या फिर वहां पे जो अनुजीव की यहाँ पे संधान करेगी, और यहाँ पे जो है ये जो अलग अलग जो मार्शियन जो रॉक्स है उसको यहाँ पे कलेक्ट करेगी। तो नासा ने इससे पहले भी जो है रोवर मार्स के लिए सेंड कर चुकी है, 1997 में सेंड किया था मार्स ने सोजनर, और 2004 में दो रोवर सेंड किया था स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, और 2012 में फिर से सेंड किया था क्यूरियोसिटी रोवर, और 2022 के जुलाई महीने में छोड़ेगी प्रिजर्वेरेंस। तो ये नासा का जो है पांचवा रोवर होगी जो मंगल ग्रह के यहाँ पर संधान के लिए भेजा जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स, उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया, उसके साथ काफी डिटेल्स लगभग 30 से भी ज्यादा प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अभी तक जितने भी साप्ताहिक के जो वीडियोस हम लोगों ने जो अपलोड किए हैं सारे के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग अपना वेबसाइट में ला रहे हैं, तो उसके सारे नोट्स और एक क्विज गेम की तरह आप ये भी खेल सकते हैं। वेरी सुन विद इन 2 वीक्स हम लोग अपना वेबसाइट ला रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।